भारत के इस तिरंगे झंडे के बैनर के नीचे हम सब लोग आए और राष्ट्रीय एकता का परिचय दें। अनएम्प्लॉयमेंट होने के कारण जो ये समाज से परे होते जा रहे हैं उनको आपस में जोड़ना भी हमारा मकसद है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और राहुल जी से लगभग हमारी इन 1000 किलोमीटर में 3-4 बार जो है अपनी कैंप के अंदर भी मुलाकात हो गई, तो उन्होंने हमसे बहुत अच्छे अनुभव भी पूछे कि इन पदयात्राओं में आपका कैसा अनुभव है। तो हमने उन्हें बताया कि बहुत अच्छा अनुभव है, आज़ादी की डांडी मार्च को हमने सुना था, हमने देखा नहीं था, लेकिन आज स्वयं जब कन्याकुमारी से कश्मीर की पदयात्रा करने का हमको सौभाग्य मिला है तो निश्चित तौर पर हम लोग अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बहुत अच्छा है क्योंकि हम लोग उत्तराखंड राज्य के हैं, राजपाल भाई है, मोहित उनियाल है, वैभव वालिया हैं, अंकित है और इशिता सेठी, ज्योति रोतेला, बहुत सारी हमारी साथी हैं और राजस्थान से हमारा छोटा भाई भी है। तो ये सांस्कृतिक विरासत है, अलग अलग प्रदेशों की, अलग अलग क्षेत्रों की जो सांस्कृतिक विरासत है, इसको हमने कन्याकुमारी से इस बेल्लारी तक देखा है। हमें तमिलनाडु की अलग संस्कृति देखी, केरल में हमें अलग कल्चर मिला और फिर उसके बाद कर्नाटक का अपनी अलग संस्कृति है। तो विभिन्न विभिन्न संस्कृतियों की जो बोली भाषा थी उसको हम लोग देखते आ रहे, तो निश्चित तौर पर ये भारत जुड़ रहा है। हम तो चाहते हैं कि भाई राहुल जी हमारे नेता हैं और जिस प्रकार से वो पदयात्रा कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और एक संविधान को लोगों के बीच में बता रहे हैं कि भाई आज संविधान को जो है जिस प्रकार से तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, आज भारत के इस तिरंगे झंडे के बैनर के नीचे हम सब लोग आएँ और राष्ट्रीय एकता का परिचय दें, यही हम लोग कह रहे हैं। मैं उत्तराखंड से पूर्व विधायक हूँ, ललित फरसवान, जो कि बिल्कुल ही सुदूर पहाड़ियों में बसा हुआ क्षेत्र है, विशेष ये चाय के लिए जाना जाता है, वहाँ से आया हूँ और एक सोच के साथ आया हूँ। वो सोच किया है कि एक युवाओं को जिस तरह से पिछले 45 साल में जो बेरोजगारी का सामना नहीं करना पड़ा था वो आज कर रहे हैं, दूसरा बात जो युवाओं में अनएम्प्लॉयमेंट होने के कारण जो ये समाज से परे होते जा रहे हैं उनको आपस में जोड़ना भी हमारा मकसद है। और यह यात्रा आपको एक दृष्टिकोण से यह देखना पड़ेगा कि कांग्रेस की यह कुछ मीडिया, बिकाऊ मीडिया ये भी बोल रहे हैं कांग्रेस पावर में आना चाहते हैं, ये करना चाहती है, वो कांग्रेस ने कभी ये नहीं कहा, राहुल जी ने कभी ये नहीं कहा, पूरे यात्रा में आपने आप भाषण सुन लीजिए, उन्होंने कहीं ये नहीं कहा है कि वो वोट कहीं मांगे, उन्होंने ये कहा कि आपसी भाईचारा कायम रहे, बेकारों को रोज़गार मिलना चाहिए, युवाओं को रोज़गार मिलना चाहिए, माँ बहनों की इज्जत की सुरक्षा होनी चाहिए, एक नागरिक को उसका जो मौलिक अधिकार है वो मिलना चाहिए, जो मौलिक मुद्दे हैं उन्हीं मुद्दों के साथ राहुल जी आज आपके कन्याकुमारी से कश्मीर जा रहे हैं और उन्हीं मुद्दों को समर्थन में आज हम उनके साथ कदम से कदम मिला के आप लोगों को साथ लेकर, आप लोगों का मतलब दुआओं का साथ लेकर हम कश्मीर तक पहुंचेंगे, ये हमारा दृढ़ संकल्प है और हमें पूर्णतः विश्वास है कि यह नफरत की जो राजनीति है, नफरत का जो एक समाज है उसको तोड़ने में हमारे वर्तमान गांधी श्री राहुल गांधी वो सफल होंगे और हम एक नए सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। सेक्युलर टीवी इदु जात्यतीत प्रतिबिंब, सब्सक्राइब ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ।